बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक्स हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एलिमेंट या मैटर का सबसे छोटा वो जर्रा जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता फ्री स्टेट में, यानी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लाजमी वो किसी दूसरे एटम, किसी दूसरे पार्टिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स या डोनेट करेगा या गेन करेगा। सो ऐसे छोटे से छोटे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। Atoms are the building blocks of matter. Atom is electrically neutral. जैसे building blocks आपको पता है, एक दीवार की build का building block एक ईंट होता है, और nest घोंसला उसका जो building block है, let's suppose वो tin का होता है। Similarly, every type of matter, element, compound, mixture, हर चीज का जो building block है वो atom होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पे मैं आपको उसका 3D स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। बेसिकली 3D स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये एटम का 3D शेप है। सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये येलो कलर के बॉल्स और ये ब्लू कलर के बॉल्स, इन पार्ट पर जो मुश्तमिल ये सेंट्रल पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अंडर स्पेसिफिक पाथ्स या ऑर्बिट या शेल, इसको बोलते हैं। ये एटम का 3D स्ट्रक्चर है। एवरी टाइप ऑफ मैटर कुछ इस किस्म का होता है। ओके, दोबारा अपने स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। सो सेंटर में एक पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेट सपोज ये येलो कलर के प्रोटॉन्स हैं और ब्लू कलर्स के न्यूट्रॉन्स हैं, और सराउंडिंग में रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये कार्बन एटम का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। 6 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स या शेल्स या एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज आल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। यानी मॉलिक्यूल की खासियत ये है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, नेचर में आजादाना हालत में रह सकता है, फ्री स्टेट में रह सकता है। जबकि एटम को हमने डिस्कस किया था कि वो फ्री स्टेट में या आजादाना हालत में नहीं रह सकता। अब एटम के कुछ टाइप्स हैं, उसको हम मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बना होता है। और याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस यानी 8 ग्रुप हो, हम इंशाल्लाह की डिटेल से डिस्कस करेंगे नोबल गैसेस क्या होती हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, ये सारे के सारे नोबल गैसेस हैं जो कि वेरी वेरी स्टेबल होते हैं ड्यू टू डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। ये दोनों रूल्स क्या होते हैं वो भी आगे हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिंपल आप ये समझ लें कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ एक एटम से मिलकर, सिर्फ एक एटम इंडिपेंडेंट जब एग्जिस्ट कर सकता हो उसको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम होता है। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें दो या दो से ज्यादा सिमिलर या डिफरेंट एटम्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स दो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं तो उसको हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, अगर तीन हो तो ट्राईएटॉमिक और चार हो तो टेट्राएटॉमिक। आगे हम इंशाल्लाह इन नोमेनक्लेचर को मैं क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगा काफी डिटेल से, यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम नहीं था। इसी तरह हम मॉलिक्यूल को एक और कैटेगरी, एक और डिविजन में, एक और डिविजन भी करते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम टू सेम एटम्स होते हैं। लेट सपोज हाइड्रोजन है, इसमें दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं। सिमिलरली हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स
ये एक्स्ट्रा टॉपिक है आपकी बुक में नहीं है, मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लो। हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट एटम हो, लेट्स सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली वाटर हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट मिलकर कंबाइन हुए होते हैं, सो वो हेटरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास है आयन। एनायन इज अ चार्ज्ड स्पीशी फॉर्म्ड फ्रॉम एन एटम और केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम्स बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, सो जो स्पीशी वजूद में आती है, जो स्पीशी बनती है, उस स्पीशी को हम आयन कहते हैं। ये एटम भी हो सकता है, ये एटम का एक ग्रुप भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है या केमिकली बॉन्डेड ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। सिंपल इज दैट जब भी किसी एटम या एटम के ग्रुप में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उससे रिमूव करेंगे, तो जो न्यू स्पीशी बनेगी उसको हम आयन कहते हैं। आयन बेसिकली आयन में यूजुअली इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके टू टाइप्स हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम एक एटम है, उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं, सो एज अ होल न्यूट्रल होता है ये सोडियम एटम, एज अ होल न्यूट्रल है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है, सो अब प्रोटॉन तो 11 है, इनिशियली प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो 11 है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कम हो गया, सो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज प्लस वन आ गया, क्योंकि अब प्रोटॉन एक ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन एक कम है। प्रोटॉन्स 11 है और इलेक्ट्रॉन्स 10 है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, रिमूव हो गया है, सो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज प्लस वन आएगा और इस स्पीशी ये जो चीज बनी है इसको हम आयन और आयन में कैटायन कहते हैं। यानी पॉजिटिवली चार्ज, चूंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया इसलिए हम इसको कैटायन कहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है। सिमिलरली इसकी दूसरी जो टाइप है वो है एनायन। एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन को कहते हैं। लेट सपोज ऑक्सीजन है, इसमें इनिशियली न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों आपस में इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं, सो ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। लेकिन जब वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है, तो अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दो चूंकि ऐड हो गए, नए इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन्स पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते गए उतना ही नंबर इसके ऊपर आ जाएगा, यानी -2 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, बिकॉज 2 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर ऐड हो गए, सो इसका ओवरऑल चार्ज -2 होगा। ऐसे स्पीशीज जिसमें जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे स्पीशीज को हम एनायन बोलते हैं और ये आयन की एक टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। सिंपल सा, पीछे हमने आयन पढ़ा, सिंपल या एटॉमिक आयन भी इसको बोलते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है तो जो रिजल्टिंग स्पीशी बनती है उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ये शॉर्ट लीव्ड स्पीशी होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। और पिछला मैं बताना भूल गया कि आयन्स जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल का इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। आयन एक मांड में, उससे आयन एक कंपाउंड बनता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन जब भी आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिकली, तो उससे आयन एक कंपाउंड बनता है। वो क्या होता है इंशाल्लाह हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो जो मॉलिक्यूलर आयन है वो आयन एक कंपाउंड नहीं बनाता, सिर्फ हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है और बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव और अनस्टेबल स्पीशी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, वो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब वो एब्जॉर्ब करता है एक इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर नेगेटिव। सिमिलरली CH4 है, मीथेन
एक ग्रुप ऑफ एटम्स है या एक मॉलिक्यूल है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा, या जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल बेसिकली वो एटम होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। हमेशा याद रखें, जो 8 एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 8 होता है, वो सारे के सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। लेट सपोज सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, सो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, एक अनपेयर्ड है। सिमिलरली सोडियम है, मैग्नीशियम नहीं, एल्यूमिनियम है, क्योंकि इसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों तो पेयर्स हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाता है। सिलिकॉन नहीं है, फास्फोरस फिर फ्री रेडिकल आ जाता है क्योंकि उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। सिमिलरली सल्फर नहीं है, क्लोरीन, हेलोजन जितने भी हैं सारे के सारे फ्री रेडिकल्स हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पाया जाता है। सो ऐसे तमाम के तमाम एटम्स जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे एटम को हम, ऐसे स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। डायग्राम से देख लेते हैं, ये सिंपल एक नॉर्मल एटम है क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास फ्री रेडिकल है क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी होता है, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हेलोजन है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन सारे के सारे हेलोजन है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन 6 पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, 1 अनपेयर्ड फॉर्म में होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सो सारे के सारे फ्री रेडिकल कहलाते हैं। अच्छा, बनते कैसे हैं? जब अक्सर हेलोजन जब उसको सनलाइट में एक्सपोज किया जाए तो मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, होमोलेटिक क्लीवेज हो जाता है, यानी उसके उसका मॉलिक्यूल यानी F2 फ्लोरीन 2 मॉलिक्यूल वो बीच में बिल्कुल टूट जाता है, फ्लोरीन फ्री रेडिकल उधर चला जाता है और दूसरा फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है। ये न्यूट्रल स्पीशी होते हैं, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके जनरल नॉलेज के लिए और रिसर्च वर्क में हेल्प करने के लिए मैंने एक ऐड किए हैं, आपके कोर्स में नहीं है, बेशक अब उसको नहीं लिखना, याद भी नहीं करना। आपके नॉलेज के लिए ये जरूरी है कि फ्यूचर में अगर आप कोई रिसर्च वगैरह करेंगे तो आपके लिए ये जरूरी आएगा। जो फ्री रेडिकल्स हैं बेसिकली नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन याद रखें बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं फ्री रेडिकल्स। चंद फ्री रेडिकल्स के अलावा अक्सर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, लेकिन अगर हम अपना लाइफस्टाइल खराब गुजारेंगे, अच्छा नहीं गुजारेंगे, सुस्त लाइफस्टाइल गुजारेंगे, वर्जिश वगैरह नहीं करेंगे, सो फ्री रेडिकल बहुत तेजी से बढ़ते चले जाते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, यानी हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इन फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को एक्सेलरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज्यादा, अननेसेसरी दवाई खाते हैं हम, या गोल टेबलेट्स वगैरह खाते हैं, या अननेसेसरी टॉक्सिक केमिकल्स ये वो करते हैं, या जो अक्सर लेडीज होती हैं चीप किस्म के कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, अननेसेसरी कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा होता है। सिमिलरली पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या एयर पॉल्यूशन के एक्सपोजर, उसकी वजह से जो है ना फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन इन्हेंस होती है, ज्यादा होती है, तो आप इन चीजों से दूर रहें। सिमिलरली स्मोकिंग है, अल्कोहल है, अल्कोहल कंजम्पशन है, फ्राइड फ्रूड है, तो ये जो है ये फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, सो इन चीजों को आप अवॉइड कीजिएगा। कौन कौन सी डिजीजेस काज करता है फ्री रेडिकल्स? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेस, यानी जो आपका बैकबोन है या आपका नर्वस सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है, दिल की बीमारियां और जो है ना जॉइंट पेंस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इनको ये यानी जोड़ों की बीमारियां पैदा करता है, कैंसर पैदा करता है, आंखों की बीमारियां पैदा करता है। सिमिलरली एज, बहुत जल्दी एजिंग, बुढ़ापा आ जाता है इसकी वजह से, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी यानी उसकी लचक और जो फ्रेशनेस है वो लॉस हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, हेयर ग्रे हो जाते हैं, लॉस चेंजर, इन सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां ये फ्री रेडिकल काज करता है।
फ्रेडिकल को मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए उसका क्योर जो है वो बेसिकली सबसे बेस्ट जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स हैं जो कि फ्री रेडिकल के इफेक्ट को या कम करते हैं या उससे मुकम्मल बचा देते हैं। हजारों किस्म के केमिकल्स एंटीऑक्सीडेंट बतौर एक एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी, ई, ये सारे के सारे केमिकल्स के नेम हैं। लेकिन अगर आप सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो ये मैंने आपके लिए पिक्चर अपलोड किया है कि सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं। जितने भी बेरीज हैं, ब्लूबेरी, वुल्फ बेरी और क्रैनबेरी और ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी और पता नहीं क्या क्या, ये सारे के सारे अक्सर आप ज्यादा ज्यादा यूज किया करें ताकि फ्री रेडिकल से आप महफूज हो सके। आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल अगर बन रहे हो तो खत्म हो जाए और उनका इफेक्ट कम हो जाए या स्टॉप हो जाए और मजीद जो है ना फ्री रेडिकल कम बने। ये सारे बनाना और फिर आप उनमें से देख लीजिएगा इनको यूज। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सारे टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, दोबारा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा या शेयर कमेंट करके मुझे बता दें कि जो जो टॉपिक समझ नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह लेक्चर बना के या क्लास में दोबारा इंशाल्लाह समझा दूंगा जब स्कूल ओपन होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।